जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। मैं शैलेश, मेरी यूट्यूब चैनल तीर्थयात्री और स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम लोग वाड़ा में स्थित इस्कॉन मंदिर, जिसे गोवर्धन इको विलेज कहा जाता है, वहां की मुलाकात करेंगे और दर्शन कराएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ में। जय श्री कृष्ण। यह है राधा मोहन मंदिर इस्कॉन का, और इस मंदिर का जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में है। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे अगर तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। यह एपिसोड वाड़ा स्थित इस्कॉन मंदिर का हम लोग ने फैमिली ट्रिप जो किया है उसका पार्ट वन है। यह मंदिर वाड़ा का इस्कॉन मंदिर जो है वो करीब मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है। आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ी जंगल, और अभी तो बारिश का मौसम है तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। तो बने रहे हमारे साथ। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं गोवर्धन इको विलेज, इसे कहा जाता है। यहाँ के अभी मेन गेट से आपको अंदर लेके जा रहे हैं हम लोग। ये यहाँ का मेन गेट है इस्कॉन वाड़ा गोवर्धन इको विलेज का। बहुत ही खूबसूरत गेट से ही आप देख सकते हैं, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में। और अभी तो रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई है तो वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो गया है। अभी हम लोग यहाँ से गेट से अंदर होके आपको अंदर का भी दृश्य दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो गया है। और अभी तो हम अभी थोड़े दिन में अभी कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो इसके लिए भी यहाँ पर कुछ बोर्ड लगाया हुआ है। यहाँ बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है। ये भी देख सकते हैं आप, एंट्री में ही बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। एक साइड में ऑर्गेनिक राइस वगैरह का ये जो है अपना खातर वगैरह जो है बहुत ही सब अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और यहाँ पर अभी रिसेप्शन काउंटर जो है, अभी हमारे फैमिली मेंबर्स जो है, हमारे साथ में जो फैमिली मेंबर्स जो आए हुए हैं वो आगे है, पर हमारे दूसरे जो मेंबर्स जो आने वाले हैं फैमिली के वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो अभी हम लोग तब तक मैं उसका टाइम का सदुपयोग करके यहाँ का अभी वीडियो शूटिंग कर रहे हैं कि जिसे आपको दिखा सके। यह मंदिर 2017 में शुरू हुआ था। ये सब उसके मेडल वगैरह सब यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये रिसेप्शन है रूम बुकिंग के लिए। रूम बुकिंग जो है वो अभी हमने रिसेप्शन पे बात करके मालूम पड़ा कि यहाँ एसी कॉटेजेस वगैरह जो है वो करीब 4,000 से 5,000 रुपया पर डे का हिसाब से मिलता है ट्विन शेयरिंग बेसिस पे, और जो नॉर्मल जो कॉटेजेस है 1,500 से 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। अभी हमको जो है रिसेप्शन से सब इंस्ट्रक्शन मिल रही है। तो अगर आपको मतलब मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है तो कभी भी आपको अगर अच्छे वातावरण में रहना है और अच्छे मंदिर के दर्शन वगैरह करना है तो एक दिन रुक के भी यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। वातावरण बहुत ही खुशनुमा रहता है, बहुत ही अच्छा मतलब बढ़िया एटमॉस्फेयर भी रहता है यहाँ का। तो अभी हम लोग आगे सब रिसेप्शन वगैरह के सब दिखा रहे हैं आपको। एंट्री में ही गणपति बापा का एक छोटा सा मंदिर है। जय गणपति बापा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि शम प्रभ निर्विघ्नं करोमि देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यहाँ हम आए हैं वाड़ा में
इस्कॉन टेंपल में, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में यह टेंपल बना हुआ है। पूरा इको मतलब ग्रीनरी सब जगह पर है, और यह मंदिर जहाँ पर स्थित है वह एरिया पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों के बीच में। और हम सुबह 7:30 बजे निकले थे मुंबई से, यहाँ पर जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 10:30 बजे तकरीबन यहाँ हम पहुँच गए हैं। और हमारे दूसरे फैमिली मेम्बर्स जो आने वाले हैं उनकी राह देखकर, और वो पहुँचने के बाद अब हम अभी अंदर इको विलेज में दर्शन के लिए सब जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम उनकी राह देखकर अभी तक रुके हुए थे, तो मेन गेट के अंदर जाने के लिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। और यह जो आप गाड़ी की व्यवस्था देख रहे हैं वो यहाँ रूम पर ठहरे हुए यात्री जो रात को रुकते हैं 1-2 दिन के लिए, उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। और यह गेट से अंदर हम लोग आते हुए गोवर्धन इको विलेज में अंदर एंट्री लिया हमने। यहाँ बहुत ही सारे लोग बस करके अपने अपने प्राइवेट व्हीकल में यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। बहुत ही खूबसूरत और यहाँ बाजू में शुरुआत में ही गौशाला है लेफ्ट हैंड साइड पे। और हम लोग आगे बढ़ गए हैं अभी। और यह मुख्य मंदिर के पास हम लोग पहुंच गए हैं। यह मुख्य मंदिर का गेट है, इस्कॉन का जो मुख्य मंदिर है यहाँ का। अब हम अंदर दर्शन के लिए जाएंगे, और आप भी हमारे साथ चलिए दर्शन के लिए श्री राधा रमण बिहारी जी के। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत भव्य मंदिर अंदर से आपको दिखाई दे रहा है। उसकी जो फर्श है वह लकड़े की बनी हुई है, और यह हम आपको उनका जो डोम है, जो मंदिर का हॉल है, वह आप देख सकते हैं। सब भक्त जन वहाँ पर बैठे हुए हैं। और यह मंदिर की हम परिक्रमा आपको करवा रहे हैं। कीर्तन चालू ही रहते हैं मंदिर में, पहले हम आपको दर्शन करवाते हैं। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं, मूर्ति बहुत ही सुंदर है, मनमोहक, अति सुंदर, और बहुत ही अच्छे श्रृंगार। और मंदिर बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्विंग के साथ आप दिखाई आपको देख सकते हैं। वैसे भी इस्कॉन का कोई भी मंदिर हो, आप भगवान के राधा कृष्ण जी के अगर श्रृंगार को देखें तो इतना खूबसूरत और भव्य होता है कि बात ही मत पूछो। और यह मुख्य मंदिर की चारों ओर परिक्रमा करते हुए आजू बाजू आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रीनरी छाई हुई है। और यह मंदिर का कार्विंग जो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। बहुत ही खुली जगह में, आजू बाजू जो खुली जगह है वहाँ पर गार्डन बनाए हुए हैं। और यह जो पूरा एरिया है मंदिर का वह पहाड़ियों से घिरा हुआ है, प्रकृति की गोद में जैसे बसा हुआ यह मंदिर, बहुत ही सुंदर और शांत प्रकृति वातावरण, एकदम शांत, मन बहुत ही प्रसन्न और शांत हो जाता है यहाँ आकर। जय श्री कृष्ण। यह हमारे ग्रुप के मेंबर हैं
सब दर्शन कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। और यहाँ हॉल में लेडीज़ और जेंट्स के लिए बैठने की अलग व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जब कीर्तन रहते हैं, भगवान के भजन चालू रहते हैं, तब यहाँ पर बैठकर प्रवचन और भजन सब भक्तजन सुनते हैं। और सामने जो आप मूर्ति देख रहे हैं, वह इस्कॉन के स्थापक श्री प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की मूर्ति है। बहुत ही सुंदर और भव्य मूर्ति। और वो हमेशा किसी भी इस्कॉन मंदिर में, जो निज मंदिर मुख्य रहता है, उसके सामने श्रील प्रभुपाद की मूर्ति रहती ही है कि निरंतर उनको दर्शन मिलता रहे। और वो इतनी जीवंत दिखती है जैसे अभी बोल पड़ेगी। आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ श्री राधा कृष्ण जी के। भजन कीर्तन के बाद यहाँ पर प्रवचन भी होता है मंदिर में। गोवर्धन इको विलेज केवल मंदिर ही नहीं है, यहाँ पर योग आध्यात्मिक सेंटर भी है। यहाँ पर रुककर लोग योग भी सीखते हैं। और यह है श्रील प्रभुपाद की जो मूर्ति, जो एकदम जीवंत दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर। दर्शन करके मन बहुत ही, मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है। और सब लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर प्रभु का नाम स्मरण करने के लिए बैठे हैं। मंदिर में दर्शन करके बाहर आते ही यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है। आमतौर पर खिचड़ी का प्रसाद रहता है, लेकिन आज यहाँ पोहे का प्रसाद था। और प्रसाद जो भी हो, इतना स्वादिष्ट और मधुर लगता है, क्योंकि वह भगवान का प्रसाद रहता है। मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए और यहाँ पर सामने ही एक कुआं था, आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा कुआं था। इसके अंदर बहुत सारी मछलियां और टर्टल भी हमें दिखाई दिए, तो वह हम लोग अभी देख रहे हैं कुएं भी अंदर। प्रकृति की गोद में यह पूरा जो इको बोलते हैं ना विलेज, गोवर्धन इको विलेज बसा हुआ है, बसाया गया है इस्कॉन की ओर से। तो यहाँ पर जो भी नेचुरल वस्तुएं हैं, जैसे ये कुआं शायद रहेगा पहले से ही, तो उसे यहाँ पर रखा गया है, वैसे ही रखा गया है। तो अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर राधा मोहन जी का मंदिर भी है और आगे वृंदावन गार्डन भी है। पूरा वृंदावन बसाया हुआ है, तो वो हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे, वृंदावन गार्डन। अभी हम लोग राधा मोहन जी के दर्शन के लिए भी जाएंगे। राधा मदन मोहन मंदिर का नाम है और उसका दिन भर दर्शन होता है, पर दोपहर को 12 बजे से पहले भोग लगाया जाता है ना, तो मंदिर थोड़ा टाइम के लिए उसको बंद कर देते हैं। दोपहर को वैसे तो 12:30 बजे दोनों मंदिर इस्कॉन का बंद हो जाता है। अभी हम लोग वृंदावन गार्डन के गेट पर खड़े हुए हैं, पर यहाँ पर वृंदावन गार्डन के अंदर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और मंदिर के, मुख्य मंदिर के नीचे ही रजिस्ट्रेशन होता है। एक मोबाइल के ऊपर 3 लोगों को पास मिलता है, 3 लोगों का।
तो वो हिसाब से आपको पहले ही व्यवस्था करके रखनी चाहिए। अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं चार लोग, क्योंकि हम लोग टोटल 10 लोग हैं, तो हमको एक के साथ में तीन, तो अभी चार लोगों का मोबाइल नंबर लगेगा वहाँ पर। और बाकी के लोग अभी राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर है उस तरफ जा रहा है, और वहाँ पर बहुत ही सुंदर लैंडस्केप बनाया हुआ है, गार्डन भी बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, तो वो भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं वो गार्डन भी। और वहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो आप देख सकते हैं खूबसूरत लॉन, और उसके बीच में जैसे सेवन वंडर में से एक पिसा की झुकी हुई मीनार, जिसे लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा भी कहा जाता है, वैसा ही प्रतिकृति बनाई गई है। ये मंदिर जो है राधे मदन मोहन जी का मंदिर है, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में ये मंदिर बनाया गया है। तो अभी हम लोग वहाँ के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी लगभग 11:30 हुआ है, हमको 12 बजे का स्लॉट मिला हुआ है, 12 से 1 का स्लॉट है। वैसे तो सवेरे से 9 बजे से सब स्लॉट चालू हो जाता है, 9 बजे का स्लॉट रहता है, 10 बजे का रहता है, 11 बजे, 12 बजे, ऐसा एक एक घंटे का सब स्लॉट रहता है वृंदावन गार्डन के लिए। तो कभी भी अगर आप आते हैं तो वो हिसाब से अरेंज करके लेने का टाइम को। अभी हम लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह करके अभी मंदिर के लिए अभी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है। और थोड़ा लोकेशन पे और भी फोटोग्राफी के लिए रुक गए हम लोग। अभी भी फोटोग्राफी वगैरह चालू ही है, तो अभी हम लोग ये पूरे ग्रुप फोटोग्राफ्स वगैरह लेके, ये हमारे पूरा ग्रुप है, हम लोग अभी ग्रुप फोटोग्राफ्स वगैरह लेके वो हम आपको, मतलब हमारे और फोटोग्राफ्स है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी 12 बजे, वैसे भी 12 बजे को ही मंदिर खुलेगा वापस, तब तक को पर्दा लगा रहेगा, भोग लगाया है ना, तो भोग आरती वगैरह भी बाद में ही होगी। तो ये हमारे सब ग्रुप मेंबर है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पीछे की पहाड़ी के ऊपर का भी खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं, जैसे एक शिवलिंग और नंदी ऐसा भी होएगा, ऐसा लग रहा है। और अभी हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। थोड़ी पहाड़ी के ऊपर, छोटी सी जैसे पहाड़ी के ऊपर मंदिर जैसा है, थोड़ी ऊंचाई पर है, तो उसका लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है। और मंदिर को अभी नहीं, अभी खुला है, बंद ही है मंदिर। तो अभी हम लोग पीछे की साइड का, और ये देख सकते हैं आप नीचे से हम लोग पूरा व्यू दिखा रहे हैं आपको। आजू बाजू का लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों से घिरा हुआ पूरा लोकेशन है, और जंगल भी है, और बारिश थोड़ा आने की वजह से वातावरण भी पूरा खुशनुमा हो गया था। और पीछे की जो पहाड़ी है, अभी इधर से दिखेगी वापस से, उसके ऊपर तो जैसे साक्षात शिवलिंग और नंदी जैसे विराजमान है, ऐसा ही दिखाई देता है। ये हमारे ग्रुप मेंबर है। हाँ, ये पहाड़ी देख सकते हैं आप, उसके ऊपर जैसे ऊपर शिवलिंग है और नंदी है, नंदी महाराज विराजमान है, ऐसा दिखता है। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, और अभी मंदिर खुलने वाला है।
मंदिर खुल गया है। अरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हमको लगता है कि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा है, और अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप उसको हम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, हरे रामा हरे कृष्ण।